यूपी के लखनऊ में एक नया मॉल बना जिसका उद्घाटन स्वयं योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये मॉल पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसके शॉपिंग आर्केड में कुछ लोगों द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देखते ही देखते हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। नेशनल हेरल्ड ने रिपोर्ट में दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि नमाज पढ़ रहे ये लोग नौसिखिए थे और शायद गैर मुस्लिम थे। पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने नेशनल हेरल्ड की रिपोर्ट ट्वीट की और लिखा कि लखनऊ में संघी नमाज पढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट शेयर करने वालों में कॉलमिस्ट एम रियाज, स्क्रॉल के एडिटर नरेश फर्नांडिस, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के महासचिव अनीस अहमद और मिल्ली गजट के संपादक जफरुल इस्लाम खान शामिल है। पत्रकार रोहिणी सिंह ने नमाज अदा कर रहे इन लोगों को एक्टर्स बताया और कहा कि ये सामाजिक अशांति पैदा करने के इरादे से मॉल में नमाज अदा कर रहे थे। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के लिए पुलिस ने 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया है। ये दावा सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन के एक प्रेस नोट के आधार पर किया जा रहा है। ऐसा दावा करने वालों में कई कांग्रेस नेताओं और जानी मानी हस्तियों का नाम शामिल है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने भी ऐसा ही दावा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। तो क्या वाकई में यूपी पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के लिए हिंदुओं को गिरफ्तार किया? ऑल्ट न्यूज ने इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए जांच शुरू की। वायरल ट्वीट के आधार पर हमने डीसीपी साउथ का ट्विटर हैंडल चेक किया। ये डीसीपी साउथ लखनऊ का ऑफिशियल हैंडल है। उन्होंने 15 जुलाई को ये प्रेस नोट ट्वीट किया था। इस प्रेस नोट के मुताबिक 15 जुलाई को कुछ लोगों ने मॉल के अंदर जानबूझकर धार्मिक गतिविधियां करने का प्रयास किया था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन मॉल के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के मुताबिक 12 जुलाई को मॉल में 4 लोगों ने नमाज पढ़ी थी। यानी ये प्रेस नोट 12 जुलाई की घटना से जुड़ा हुआ नहीं है। 18 जुलाई को लखनऊ पुलिस ने ये एक और प्रेस नोट जारी किया, जिसमें बताया गया है कि 12 जुलाई की घटना से जुड़े किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। असल में पुलिस ने 15 जुलाई को सरोजनाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी को हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करने और अरशद अली पर नमाज अदा करने की कोशिश करने पर मामला दर्ज किया है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया कि लखनऊ पुलिस ने 12 जुलाई को नमाज पढ़ रहे लोगों के गैर मुस्लिम होने की बात को जुटला दिया है। बाद में 19 जुलाई को पुलिस ने 12 जुलाई की घटना के संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम मोहम्मद रेहान, आतिफ खान, एमडी लोकमान और मोहम्मद नोमान बताए गए हैं। यानी ये लोग हिंदू नहीं हैं। तो जैसा कि हमने देखा, कई पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स ने 15 जुलाई को गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 12 जुलाई की घटना के आरोपी समझकर ऐसा दावा किया कि हिंदू लोग नमाज पढ़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।